रे प्यारे मसे थाम लेना हाथ, लड़खड़ाते क्रूस उठा के चलना चाहूँ तेरे साथ, चलना चाहूँ तेरे साथ। यूहन अध्याय 8 पद संख्या 12। ईसा ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। मनन चिंतन। उस मन व हृदय का क्या होता है जो पाप व बुराई से अंधकार में हो जाता है? यदि मैं अंधकार में ही चलता रहूं तो क्या मैं यीशु को पा सकता हूं? नहीं तो क्यों नहीं? जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता। मुझे प्रकाश में होने के लिए प्रभु की ज्योति की जरूरत है। मैं ख्रिस्त की ज्योति को कैसे ग्रहण कर सकता हूं? प्रभु की ज्योति मेरे जीवन में क्या कर सकती है? मेरे जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों में मुझे प्रभु की ज्योति की ओर ध्यान लगाना चाहिए। चालीसा काल प्रभु यीशु की ज्योति में अपने जीवन का मूल्यांकन करने का समय है। क्या चालीसा के पाप स्वीकार के पहले मैंने मेरी तैयारी पूरी कर ली है? जीवन में कार्यान्वयन। मैं प्रभु की ज्योति को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए सदा तत्पर रहूंगा। मैं मेरे कदमों को अब अंधकार की ओर नहीं जाने दूंगा। प्रभु की ज्योति से भरकर मैं औरों को प्रकाशमान करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। संसार की ज्योति मेरे प्रभु, मेरे हृदय में तेरी ज्योति जला दे और मेरे दिल की गहराइयों से सारे अंधकार को दूर भगा दे। तेरा नूर मुझ में इस कदर फैल जाए कि मुझ में तेरा ही स्वरूप झलकने लगे। मुझे आशीष दे कि मैं कभी न डरूं और न ही घबराऊं, लेकिन हमेशा तेरे सत्य की ज्योति में हिम्मत और विश्वास के साथ चलता रहूं। आमीन। सुबह का भूला शाम को लौटे
बुरा नहीं कहते, सुबह का भूला शाम को लौटे।